आप सभी स्टूडेंट्स का मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल गुरुजी की करंट अफेयर्स की एंड जीके क्लास में स्वागत है। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक मेन टॉपिक लेके आया हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 का किन्होंने जीता, तो इसका उत्तर होगा द्रौपदी मुर्मू ने। और इसमें क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट बनाया जाए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी से मतलब चुनाव में आए थे, किस पार्टी से के थ्रू चुनाव में आए थे, तो इसका उत्तर होगा एनडीए के थ्रू। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू को 2022 के चुनाव में कितने प्रतिशत वोट मिले या कितने वोट मिले, तो इसका उत्तर होगा 64.03%, 6,76,803 वोट मिले। तो आप जिस तरह स्टूडेंट देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जैसे धीरे धीरे हार्ड होते जा रहा है, और अगर फाइनली और डिफिकल्ट बनाना चाहो इस क्वेश्चन को, तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि 2022 के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के अपोजिट में कौन थे और उन्हें कितने प्रतिशत वोट मिले, तो इसका उत्तर होगा यशवंत सिन्हा, जिन्हें की 3,80,177 वोट मिले, 35.97% वोट। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। तो इस तरह से एग्जाम जैसे हार्ड होता है तो उस तरह से हार्ड क्वेश्चन आते जाते हैं। अगर उसको बातों में समझे तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, फिर एसआई में और डिफिकल्ट आएगा, और उससे अपर लेवल एग्जाम देखेंगे हम तो और आरएस वगैरह में और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। ये तीनों स्टेज मैंने आपको बताई है और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा या वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, वो तो बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा इजी है, ऐसा क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन कोई भी पुटअप कहीं से भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आ सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की तारीख है 22 जुलाई और करंट अफेयर इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजाद भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति, उत्तर होगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है या पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। सेकंड क्वेश्चन, 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना हुई थी जिसके अंदर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 मीन्स 64.03% वोट मिले, और इनके अपोजिट में जो यशवंत सिन्हा थे, यशवंत सिन्हा को 3,80,177 मीन्स 35.97% वोट मिले। ये आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में ये साल मनाया जा रहा है। दोबारा सुनिएगा कि इस बार आजादी का जो 75वां साल है उसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और जो इलेक्शन हुआ था इसमें 15th इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, यानी 15वां चुनाव इलेक्शन द्वारा जो चुनाव हुआ है 15वीं प्रेसिडेंट बनी है। आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा नीति आयोग के द्वारा। और ये कौन सी इस बार 2022 में कौन सा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, तो इसका उत्तर होगा तीसरा। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। लगातार तीनों बार में कर्नाटक पहले पायदान पर रहा है। इसी क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर प्रथम स्थान पर रहा है इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो इसका उत्तर होगा 12वां स्थान है। और राजस्थान का 12वां स्थान क्यों रखा गया है, तो इसका उत्तर होगा कि 44% स्कूलों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था है और 40% स्कूल अभी भी ड्रॉप आउट से मतलब गुजर रहे हैं, मतलब 40% ड्रॉप आउट अभी भी स्कूलों में बना हुआ है। और इसको अगर देखा जाए तो इनोवेशन प्रदर्शन का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है कि किस कितना ड्रॉप आउट हुआ है, कितना शिक्षा का स्तर किस लेवल के ऊपर है, इन सभी के आधार पर इनोवेशन प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, क्यों बीसीसीआई अध्यक्ष का अगर क्वेश्चन आया कि बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर होगा सौरव गांगुली। और 27 अगस्त से जो T20 एशिया कप है वो UAE में होगा, जो कि श्रीलंका में होता लेकिन राजनीतिक बाधाओं की वजह से श्रीलंका में ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसा आधुनिकीकरण योजना में क्या प्रावधान रखे गए हैं या किस क्या योजनाएं रखी गई है, तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक स्तर के मदरसों को 15 लाख रुपए और
उच्च प्राथमिक मदरसों को 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। और ये राशि इसलिए दी जाएगी कि वहां पर मदरसों के अंदर सुचारू रूप से शौचालय, कक्षा कक्ष और पानी की व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिए की जा सके। सेवंथ क्वेश्चन, भारत को पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में कितने मेडल मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा 10 मेडल मिले हैं और ये अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है भारत का। और भारत को मेडल किस प्रकार से मिले हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि 6 गोल्ड मिले हैं, 3 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला है। और ये पूरी जो लिस्ट थी उसमें सबसे प्रथम पायदान पर भारत रहा है। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।